हेलो एंड वेलकम टू द दजू क्लासेस आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है जे सी के द्वारा मॉडल सेट पेपर जारी किया जा चुका है और मॉडल सेट पेपर के सॉल्यूशंस को लेकर के हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज हम लोग इंग्लिश के कंप्लीट सॉल्यूशंस को देखेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव को भी देखेंगे और डिटेल्ड उसका लिखा हुआ जो आंसर है उसको हम लोग देखेंगे साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में साइंस का जो मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशंस पड़ा हुआ है आप जा के पहले उसको भी देख लीजिए अब आपका नज़दीक आ गया है समय एग्ज़ाम का और अब पूरी तरह से मुझे आशा भी है कि आप अच्छा कर रहे होंगे आप पूरी तैयारी कर लिए होंगे और लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच गए होंगे अब केवल आपको प्रैक्टिस करना ही बाकी होगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट पेपर इंग्लिश का इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंच सके ये चैनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर कैसे इसको बनाना है ये भी हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बावन है ना एक से तीस तक जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल एम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है एकक मार्क्स का है चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसके बाद इकतीस से अड़तीस तक जो भी क्वेश्चन है वो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है वो ठीक है उसमें से आपको केवल छः क्वेश्चन करने हैं उनचालीस से छियालीस जो क्वेश्चन है उसमें तीन तीन मार्क्स का क्वेश्चन है अब आपको छः क्वेश्चन ही करने हैं टोटल आठ क्वेश्चन में से और लास्ट में सैंतालीस से बावन जो क्वेश्चन है यानी टोटल छः क्वेश्चन उसमें से आपको केवल चार क्वेश्चन करने हैं और प्रति क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो पाँच पाँच मार्क्स का होगा क्लियर है सारे सब्जेक्ट का यही डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का चलिए पहला शुरू हो रहा है पैसेज पैसेज क्या है सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव दोनों में पैसेज है चलिए आइए हम लोग पैसेज को कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ वी हैव टू गेट अप इन टाइम वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम ऑल दिस इंटेल सर्टन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस इट डिस्पेल्स डिसजिनेस एंड रिमूव्स आवर टेक इट इजी एटीट्यूड अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स Recognition and social acceptance. He is wanted and appreciated. Therefore, punctuality can make us socially acceptable people. The virtue of punctuality is said to be the key to success. Lack of punctuality affects a man's life in various ways if people of various occupations, like teachers, students, politicians, etc., become punctual.

फिर आपका है एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी है ना चलिए ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो है वो सीधा आपको मिल जाएगा लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैंस लाइफ तो इसको ढूंढना है कि ये लाइन कहाँ पे है द लैक ऑफ पंक्चुअलिटी कहाँ है द लैक ऑफ पंक्चुअलिटी यहाँ है अफेक्ट्स मैंस लाइफ इन वेरियस वेज तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी यानी वेरियस वेज चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस तो रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस का देखिए कहाँ लाइन है ठीक तो है तो यहाँ है डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस ऊपर में तो कौन सा पर्सन डिसिप्लिन पर्सन तो देखिए ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन तो गलत हो गया ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन तो सही आंसर क्या हो जाएगा अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन इट मेक्स लाइफ गर्द इट मेक्स लाइफ ईजी इट मेक्स लाइफ वैल्युएबल अब आपको अपने से नहीं लगाना है यानी वैल्यूएबल ईजी ये सब नहीं करना है आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी तो एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी में देखिए कहाँ है अ डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी कैन सोशली असेप्टेबल एडवांटेज आपको ढूंढना होगा वेरियस ऑकुपेशन लाइक टीचर्स बिकम पंक्चुअल कंट्री मल्टीपल वेज इट वुड बी ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ़ पंक्चुअलिटी इज़ दैट इट गिव्स डिसप्लिन टू लाइफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ़ पंक्चुअलिटी ठीक है अब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी क्या है कि ये डिसिप्लिन कर देता है लाइफ को तो यही एडवांटेज वैल्यू यानी एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी तो इट क्या मेक्स इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन ठीक है वैसे भी आप डिसिप्लिन का है ऑप्शन में जो बेसिकली जो पैसेज है वो डिसिप्लिन के ऊपर है पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के ऊपर तो आप यहाँ समझिए कि इस ये दोनों का भी रिलेशन ही होगा तो बाकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं ठीक है चलिए तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन वर्ड टू टेक इट ईजी टेक इट ईजी यानी कोई भी चीज़ को इजी रूप में ले लेना तो आप देखिए सेफ लेज काफ केयरफुल आपको इसी में से ढूंढना है इसी में से ढूंढना है अब अब मान लीजिए टेक इट ईजी मतलब आराम से कोई भी चीज़ को बेपरवाह लापरवाह तरीके से ले लेना ईजी ले, ले ले। वे में कि हाँ चला ना भाई हो जाए हाँ, हाँ हो जाएगा हाँ हो जाएगा कोई कहा काम कर दो तो कहते हैं कहता है ना सब कोई हाँ हो जाएगा कर देंगे तो ये ले, लेजिपनेस को शो करता है लेजीनेस को अब अब देखिए आप कि इसमें सब कौन सा शब्द यूज हुआ है सबसे पहले ये देखिए तो लेजीनेस का यूज हुआ है काफ का यूज नहीं हुआ है और केयरफुल का नहीं हुआ है देखिए देखिए खुद इसमें यूज पहले देखिए सेफ़ का हुआ नहीं है काफ़ का, का हुआ नहीं है केयरफुल का हुआ नहीं है हुआ किसका है लेजी पर लेजीनेस का ई टेक इट ईजी एटीट्यूड का मतलब होता है लेज ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है आपको पहला चीज़ तो कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो आप ये देखिएगा कि आपका ऑप्शन कौन कौन सा है जो आपका पैसेज में दिया हुआ है ठीक है सेंटेंस पढ़ करके उसके मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा दो बार तीन बार सेंटेंस पढ़िएगा मीनिंग खुद ब खुद कुछ ना कुछ समझ में आएगा उसके हिसाब से आप उसको क्लियर कर सकते हैं चलिए आगे देखिए पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ एज ए सिंबल ऑफ देखो वर्ल्ड लीडर्स ग्रेट सेंट लेजी पीपुल नन ऑफ दिस लेजी पीपुल लेजी शब्द आया है ग्रेट सेंट तो आया नहीं है चलिए तब देखिए वर्ल्ड लीडर्स वाला लाइन देखिए पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ ठीक तो है तो कहाँ वर्ल्ड लीडर यहाँ है लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव फेम एंड सक्सेस आप देखिए उन ग्रेट लीडर्स को जिन्होंने क्या अचीव किया है फेम और सक्सेस को अचीव किया है ठीक है तो पंक्चुअलिटी वॉज देयर हॉल मार्क हॉल मार्क का मतलब क्या होगा सिम्बल चिन्ह है तो यहाँ क्या है पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ तो किसके सिंबल में वर्ल्ड लीडर्स के सिंबल में ठीक है तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए क्वेश्चन नंबर छ देखिए सिनोनिम ऑफ गुडनेस आपको हमने बताया मीन्स अगर है सिनोनिम है ये दोनों मतलब पर्यावाची है तो गुडनेस का पर्यावाची यानी अच्छाई का प्रयावाची क्या होगा इंटेल रिकॉग्निशन वर्चू की क्या हो जाएगा वर्च्यू बाई द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन जैसे यह शब्द आता है तो क्या हो जाएगा उसका सही आंसर वर्च्यू ठीक है ऑफ पंक्चुअलिटी मतलब एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी मतलब गुडनेस ऑफ पंक्चुअलिटी तो क्या हो जाएगा वर्चुअल ठीक है एंटोनिम एंटोनिम मतलब अपोजिट ठीक है तो अपोजिट यानी किसका सक्सेस का सक्सेस मतलब आप सक्सेसफुल होना और सक्सेस को अगर आप प्राप्त किए तो सक्सेस का उल्टा क्या हो जाता है फेल्योर हो जाएगा फेल्योर ऑप्शन नंबर सी इसको आप कर ले आसानी से है ना सक्सेस का अपोजिट क्या हो जाता है फेल्योर ठीक है वॉट ब्रिंग्स ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री क्या तो केयरलेस पीपुल नहीं लेस पीपुल नहीं तो क्या ग्लोरी करेगा आप ऑप्शन को ढूंढिए पंक्चुअलिटी आप तो सीधे देख करके यहाँ पे कर देंगे क्लियर कर देंगे ऐसे भी आप ग्लोरी वाला लाइन को ढूंढिए कहाँ है ऑल दि इंटेल्स सर्टन अमाउंट ऑफ सैक्रीफाइस डिस्पर्स इट एट इजी एटीट्यूड और क्या है सोशल एक्सेप्टेंस है ना फिर क्या है इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री कौन ईट वुड इट किसके लिए हुआ है पंक्चुअलिटी के लिए ठीक है चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पंक्चुअलिटी है इट का सही आंसर पंक्चुअलिटी चलिए नेक्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर तो ही सेड टू मी अब देखिए मान लीजिए आप इन डायरेक्ट स्पीच से दो क्वेश्चन है और पक्का आपके एग्जाम में आएंगे ही यहाँ और एक यूनिवर्सल रहेगा यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल है तो ये ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर आई एम राइटिंग अ लेटर तो सेड मतलब पास्ट में तो आई एम का क्या हो जाएगा वाज तो वाज वाला ढूंढिए वाज यहाँ आई एम है तो न, नहीं होगा वाज है लेकिन वाज से पहले दैट लगना चाहिए तो दैट नहीं होगा इफ लगाया है तो ये भी नहीं होगा तो एक ऑप्शन आपके बच्चा ऑप्शन नंबर बी अब इसको देखिए ही सेड टू मी तो सेड टू मी का क्या हो गया टोल्ड हो तो गया तो ही टोल्ड मी दैट ही है तो आई भी चेंज हो जाएगा इसके अनुसार से तो ही अब पास्ट में जाएगा है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस तो ही के बाद वाज बाकी राइटिंग लेटर तो आपको क्या ढूंढना है सबसे पहले दैट ढूंढना है उसके बाद ये पास्ट में है तो ये ये वाला पास्ट में है है ना तो ये भी पास्ट में होना चाहिए और इसके हिसाब से ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब जो है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी क्या होना चाहिए पास्ट टेंस में होना चाहिए क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखिए टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट तो ये यूनिवर्सल है ना तो यूनिवर्सल का मतलब जो सार्वभौमिक हो जो सब जगह कन्फर्म है कि सन कहाँ से उड़ता है भाई तो राइजेज इन द ईस्ट द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू तो यानी ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टीचर से वो जैसा है वैसे ही रह जाएगा वो सेड के हिसाब से नहीं बदलेगा वो प्रेजेंट में है प्रेजेंट में ही रहेगा तो द टीचर सेड लेकिन दैट लगेगा सेड के बाद दैट तो दैट 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 यहाँ है ठीक है दैट इसमें नहीं है तो ख़त्म हो गया ये दैट है यहाँ और दैट है यहाँ ठीक है अब अब बात आती है कि यहाँ पे टीचर टोल्ड मी होगा कि सेड होगा तो यहाँ पे जो है द टीचर सेड टू मी अगर रहता तो टोल्ड मी हो जाता लेकिन सेड टू मी तो है नहीं तो क्या हो जाएगा द टीचर सेड दैट दाइजेज इन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीचर सेड दैट दाइजेज इन ईस्ट क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन आई खाली जगह फुटबॉल फॉर फाइव ईयर्स अब फाइव ईयर्स यानी इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस uh, है अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा बीन प्लेइंग लगेगा तो बीन प्लेइंग यहाँ पे भी है बीन प्लेइंग यहाँ पे भी है तो ये दोनों लगेगा आई के साथ क्या लगेगा हैव या हैज तो हैव तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर फाइव ईयर्स क्लियर है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व खाली जगह गॉड फुलफिल योर इज तो गॉड से फुलफिल करा रहे विश को है ना भगवान करे कि आप कब जो इच्छा है वो पूरा हो जाए तो यहाँ पे जब भी कोई इस तरह की अगर पहला सेंटेंस है तो मे ज़्यादा चांस है है ना कब जब वीस होगा तब तो जहाँ पे भी वीस वाला अगर क्वेश्चन है वीस वाला सेंटेंस है और उसमें पहला ही पहला ही खाली है तो समझिए कि वहाँ पे मे होगा तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेल्व का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मे ठीक है खाली जगह यू लेंड मी योर बुक अब यहाँ पे गॉड गॉड तो नहीं है अगर गॉड रहता तो समझ लो कि वो विश का ही मतलब इच्छा का या हेल्प करने के लिए मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके लेवल का क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा तो उसमें मे लगेगा क्लियर है अब यहाँ पे तो अब नहीं है तो इसका मतलब है कि मे लगने का बात ही नहीं है मे अच्छे पास्ट टेंस में नहीं है यानी ई डी वगैरह नहीं है तो माइट लगने का भी बात नहीं है कूड लगने का भी बात नहीं है क्योंकि पास्ट टेंस में नहीं है प्रेजेंट में है तो क्या लगेगा कैन लग जाएगा क्लियर है इसका सही आंसर थर्टीन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैन यू लैंड मी योर बुक क्या आप मुझे अपने बुक दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज और ड्राइविंग है ना तो की, कौन सा टेंस क्या हुआ? इज है तो प्रेजेंट चलिए प्रेजेंट हो गया और ड्राइविंग आई एन सी लगा है तो कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है चलिए अगर मान लीजिए मनीष के बाद यहाँ पे हैज या हैब रहता हैज या हैव, और उसके बाद कोई वी थ्री का फॉर्म रहता तो वो हो जाता परफेक्ट टेंस अगर हैज हैब के बाद बीन रहता ठीक है तब वो हो जाता आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना और इसके अलावा रहता तो वो सिंपल टेंस हो जाता अच्छा हैज की जगह पर यहाँ पे हैड रहता तो पास्ट में हो जाता विल हैव रहता या सेल हैव रहता तो प्रेजेंट अरे फ्यूचर परफेक्ट हो जाता ठीक है चलिए अगर विल बी सेल बी विल बी सेल बी प्लेइंग या भर्ब थ्री रहता तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है क्लियर है चलिए ही खाली जगह द प्लेस फॉर फ्यू मंथ्स बैक ही खाली जगह है द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक फ्यू मंथ बैक का मतलब पीछे बैक का मतलब पीछे तो कुछ महीनों पहले तो कुछ महीनों पहले यानी क्या हो गया पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट टेंस में विजिट होगा नहीं विजिट्स होगा नहीं ये दोनों नहीं होगा विजिटिंग होगा नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे इज एम आर नहीं लगा हुआ है इज एम आर या फिर वेयर वाज वेयर या फिर विल बी सेल बी अगर है तब आपका आईएनजी वाला फॉर्म लग सकता है इसके अलावा नहीं लगेगा ठीक है चलिए चेंज इन टू निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में इसको बदलना है ही इज पुअर ही इज पुअर का मतलब वह गरीब है तो वह गरीब है तो इसका मतलब क्या है वह अमीर नहीं है अगर इसका निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा वह गरीब है तो उसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि वह अमीर नहीं है तो यानी ही इज नॉट रिच ठीक है तो पहला चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए निगेटिव सेंटेंस कह रहा है तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा अब नॉट एक ही में लगल है तो इसलिए आपका ऑप्शन से भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं नॉन ऑफ दी इसका चांस बहुत ही कम रहेगा है ना चलिए ऐसे तो मान लीजिए आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए अगर नहीं है तो आप कैसे आप उसको वहाँ तक पहुँच सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग रीड द पैसेज गिवेन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन ठीक है ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंजेस विच एपियर टू हिम सो डिस्परेट हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम स्रीली अप ब्रेडिंग हिम थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज ए लेज ऑनलेस ही फ्लू अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव कह रहा है कि वो अपना जो करेज है करेज का मतलब शक्ति को है ना जुटाने में फेल हो जा रहा है है ना और उसके जैसे माता पिता हैं आ रहे हैं उसके आसपास घूम रहे हैं और उसको फिर कह रहा है कि तुमको हम भूखा छोड़ देंगे अगर तुम नहीं उड़ो उड़ोगे तब है ना लेकिन वो अपने ज़िंदगी को कर देख करके सोच रहा है कि उड़ेंगे तो हो सकता है गिर जाएँ या फिर वो मूव नहीं कर रहा है ये आपका सेंटेंस है इतना तक करने से आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर का कहानी है ठीक है हिज फर्स्ट फ्लाइट का पहला पार्ट है ये तो हिज फर्स्ट फ्लाइट में क्या है दो है ना द ब्लैक एरोप्लेन और यंग सीगल वाला क्वेश्चन है तो उसमें अभी किसका है वो बर्ड वाला बात हो, हो रहा है जो कि उड़ने के लिए करती है तो ये समझ में आ गया कि किस पार्ट से है किस एक्सट्रैक्ट से है हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन ही कौन है इसमें तो किस चैप्टर का है ये यंग सिगल वाला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलिए दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टिक रिटेन बाई अब ये किसके द्वारा लिखा हुआ है तो जो यंग सिगल वाला इतना बता दिया आप आप इस चारों में से जो ऑप्शन सही होगा आप उसको कर लीजिएगा ठीक है ये इसका आंसर हम नहीं कराएंगे ठीक है आप ऑप्शन में दिया भी हुआ है आप वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है कौन होगा ठीक है थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर लीजिए आगे देखिए वॉट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन्स हियर यहां थ्रेटनिंग का मतलब क्या हुआ थ्रेटनिंग का मतलब डराना है ना तो ओबे स्माइलिंग जोकिंग यह सब नहीं होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्राइटनिंग ठीक है क्या हो जाएगा फ्राइटनिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट डिड द ऑर्टर लुक लाइक ऑर्टर कैसा दिखता था ठीक है मिजबिल दर्टर क्या है तो ऑर्डर कैसा दिखता था स्मॉल ड्रैगन टाइप का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर इक्कीस देखिए वॉट इज़ अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ जल्दी बताइए किस चैप्टर का है तो दूसरा चैप्टर क्या है है ना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का तो कंट्री के लिए किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होता है धन सबसे बड़ा धन क्या होता है तो उसके लोग तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इट्स पीपल वॉट वॉज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम गौतम बुद्धा का अर्ली नाम क्या था तो क्या नाम था सिद्धार्थ ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड बेकर फ्रॉम गोवा को क्या कहा जाता था पेडर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेडर वॉट आर द टू निगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज एज कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी जब हम आएंगे आपके इंग्लिश का जो निचोड़ ले करके है ना जो थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप उसमें उत्ता कर लीजिएगा हर चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे हर चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे है ना चलिए यहाँ देखिए व्हाट आर द टू निगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फर्स्ट यूज एज ए कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी तो कौन था हेमलॉक ट्री एंड क्रो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमलॉक ट्री और क्रो इस ये दोनों क्या है निगेटिविटी के लिए प्रयोग हुआ है ठीक है द डस्ट एंड स्नो का है ये चलिए नेक्स्ट देखिए वाई शूड द टाइगर लर्किंग इन सैडो टाइगर क्यों लर्क कर रहा था सैडो पर है ना टाइगर इन द जू उसका है ये तो क्या था वो टू कैच द डियर किसके लिए सोच रहा था कि भाई क्यों झाँक रहा था सैडो मतलब छुप करके झाड़ियों में तो भाई इसलिए झाँक रहा था कि कोई डियर आएगा है ना पल्प डियर आएगा जो पानी पिएगा तो हम कैच करेंगे उसको पकड़ेंगे टू कैच द डियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वाट वॉज हॉरेस्ट एलर्जिक टू हॉरेस्ट एनबी जो था वो उसका एलर्जी था किस चीज़ से एलर्जी था तो स्मेल ऑफ फ्लावर्स ठीक है फूल के सुगंध से उसको एलर्जी था तो छब्बीस का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए वाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी एडवाइज ट्रैंप ऑफ सर्जरी में डॉक्टर क्या एडवाइज करता है कि खाना कम कर दीजिए कट इज़ फूड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ज़्यादा एक्सरसाइज इससे कराइए कीप हिम ऑन स्ट्रिक वेरी स्ट्रिक्ट डाइट या फिर उसको डाइट पर रखिए क्या कहता था या सभी तो क्या हो जाएगा सभी कुछ कहता था खाना कम कीजिए डाइट इसका स्ट्रिक्ट डाइट यानी कट हिज फूड ए है गिव हिम मोर एक्सरसाइज ये भी कहता था तो ऑल ऑफ दिस ठीक है इसका ऑप्शन सही क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखिए हु इज़ फॉलर इन द स्टोरी द मिड नाइट विजिटर मिडनाइट विजिटर में फॉलर जो था वो क्या था तो फॉलर क्या था राइटर था जो आया था ना उसके पास जो एजेंट था सेक्रेट एजेंट था उसके पास तो फॉलर कौन था राइटर था चलिए वाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन ग्रिफिन कैसा आदमी था लॉलेस पर्सन ठीक था लॉलेस पर्सन है ये था ब्रिलियंट साइंटिस्ट ये भी था तो, तो क्या हो जाएगा दोनों ए एंड बी ठीक है फुट प्रिंट्स विदआउट फिट उसी का है वो वॉट डिड रामलाल डिमांड एज डाउरी डाउरी के रूप में रामलाल क्या मांगा था तो पाँच हज़ार रुपया मांगा था तो मनी ठीक है थर्टी का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चलिए अब रीड द पैसेज केयरफुली एंड एन आंसर एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन याद रखिएगा छः क्वेश्चन इसमें से इस पैसेज से आठ क्वेश्चन दिया जा रहा है इस आठ में से आपको केवल छः क्वेश्चन करने हैं टोटल क्वेश्चन नहीं कर देना है ठीक है तो अगर आप आठों क्वेश्चन करते हैं तो पहला से लेकर के छ वन से लेकर के सिक्स तक के जो क्वेश्चन होंगे उसी के हिसाब से आपको उसी के अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे है ना तो आप अगर जो क्वेश्चन छोड़ देना है जो क्वेश्चन नहीं करना है उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी आपके पास छः क्वेश्चन उसमें से करिएगा क्या है द कैमल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इट हैज़ बीन यूज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू सप्लाई मेनी ऑफ देयर नीड्स चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इसको फिर देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है हाउ इज़ द कैमल यूज बाई द पीपल ऑफ़ साउथ अफ्रीका तो कैमल कैसे यूज़ किया जा रहा है किसके द्वारा अफ्रीकन लोग के द्वारा लो चलिए क्या है ऑन द फर्टाइल एजेज ऑफ द डेजर्ट कैमल्स पुल प्लाउ टर्न व्हील्स टू इरीगेट द फील्ड दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट इन द डेजर्ट इट सेल्फ दे स्टील दे आर स्टिलोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे सप्लाई फूड मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ पूल एंड लेदर दिस यूजफुल एनिमल इज़ वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्स एंड ड्राई लैंड तो क्या क्या काम कर रहा है प्लाउ खींच रहा है ठीक है टर्न्स व्हील्स टू रिजेट द फील्ड इरीगेट द फील्ड दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट फिर क्या है ये ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दे सप्लाई फूड मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ उल एंड लेदर तो ये इसका क्या है यूज है कैसे यूज किया जा रहा है भाई तो पूरा आप लिख दीजिए उसको क्या इसका ऐसा ही आंसर ऑन द फर्टाइल एजेज ऑफ द डेजर्ट कैमल पुल प्लाव टर्न विल्स टू रिगेट द फील्ड दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट इन डेजर्ट इट्स सेल्फ दे आर दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे सप्लाई फूड मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ कूल एंड लेदर तो यानी जो यहाँ से है आपको इसी में से ही लिखना है तो कहाँ यूज है भाई तो यूज़ देखिए तो थोड़ा सा इसको केवल समझना होगा अब देखो यूज आप अगर मान लीजिए कि अगर सेंटेंस नहीं मिल रहा है तो हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत हो कब जब आप मीनिंग ना समझेंगे तब लेकिन जब यूज़ के लिए कह रहा है तो अगर आप इसको पढ़िएगा दो चार दो बार पढ़िएगा कम से कम तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चीज क्या कहना चाह रहा है मोटा मोटी है ना चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग व्हाट डज द कैमल्स हम प हैब अब कैमल्स हम प हैब अब कैमल्स हम्प का वाला लाइन ढूंढिए कैमल्स हम्प का कहाँ लाइन है तो कैमल्स हम्प हम्प यहाँ है बस लिख देना है द हम्प इज इन फैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट इट इज यूज यूज मतलब यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वेन फूड एंड वाटर आर स्कॉर्स ठीक है बस कह देना है बस यही लाइन के क्या कर देना है लिख देना है द हम्प इज इन फैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वेन फूड एंड वाटर आर स्कॉर्स बस यही से चलिए ने मेनी टू वर्क डन बाई द कैमल कैमल के द्वारा दो वो काम जो किया जा रहा है वो लिख देना है तो क्या कह रहा है भाई री गुड्स टू मार्केट एगो ये काम हो गया कैमल पुल्स प्लाउ ये भी दूसरा काम हो गया टर्न irrigate द फील्ड ये भी एक काम हो गया तो दो तीन काम हो गया सप्लाई फूड ये भी एक काम हो गया ठीक है क्लियर है इन चारों में से कोई भी दूगो लिख देना है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखिए वॉट इज द हाइट एंड वेट ऑफ कैमल अब हाइट एंड वेट वाला देखिए लाइन कैमल्स स्टैंड टू मीटर हाई एट द शोल्डर एंड वेट फाइव हंड्रेड टू एट हंड्रेड किलो बस इन भी आप लिख दीजिएगा पूरा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा ठीक है चलिए हमने यहाँ पे सुधार के उसको लिखा हाइट इज अबाउट टू मीटर एंड वेट इज अबाउट फाइव हंड्रेड टू एट हंड्रेड किलोज ठीक है आप इसको सीधा लिख सकते हैं सीधा तो देखिए जो आपको क्वेश्चन सीधा सीधी मिल जा रहा है आप उसी को करिए क्योंकि दो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं है ना चलिए उसके बाद देखिए कम्प्लीट द फॉलोइंग बहुत आसान लाइन आपको ढूंढना है दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अब ये लाइन ढूंढिए दिस यूजफुल एनिमल इज़ वेल ये जहाँ पे होगा देखिए दिस यूजफुल एनिमल इज़ वेल और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख दीजिए जो बचा हुआ है एडेप्टेड टू लाइफ इन हार्स एंड ट्राई लैंड्स क्लियर है ये आप ढूंढना है लाइन और उसके बाद जो बचा उसको पूरा आपको लिख देना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कैमल्स आइज वाला लाइन ढूंढिए कहाँ है द कैमल्स आइज हैव थ्री आई लीड्स टू हेल्प कीप आउट स्टैंड ठीक है क्लियर है तो बस ये पूरा लाइन लिख देना है क्लियर है ना चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखिए मेक सेंटेंस द फॉलोइंग वर्ड ये भी आसान डोमेस्टिक है डोमेस्टिक शब्द ढूंढिए कहाँ है आपका इसमें डोमेस्टिक कहाँ है तो कोल्ड द कैमल इज द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक ओल्डेस्ट ऑफ़ द डोमेस्टिक एनिमल्स बस यही लाइन आप लिख दीजिए पूरा नंबर मिलेगा क्लियर है फिर क्या है सेंटेंस बनाना है किसे ट्रांसपोर्ट से तो ट्रांसपोर्ट वाला लाइन जहाँ अभी ट्रांसपोर्ट होगा बस लिख दीजिए यही लिख दीजिए इन डेजर्ट इट सेल्फ दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यही लाइन लिख दीजिए दे के जगह पर कैमल्स नहीं लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है मार्क्स आपको पूरा मिलेगा है ना तो वो वर्ड को ढूंढना है और वो लाइन पूरा लिख देना है यही क्या हो जाएगा सेंटेंस वाला तो दो क्वेश्चन तो एकदम आप आसानी से कर लीजिएगा बचा चार क्वेश्चन तो चार क्वेश्चन में देखिए हम आपको दिखा देते कौन क्वेश्चन क्वेश्चन सीधा सीधे आ रहा है बत्तीस एकदम सीधा सीधा आ गया फिर मान लीजिए चौंतीस लाइन मिल रहा है पैंतीस पूरा लाइन मिल रहा है छत्तीस लाइन मिल रहा है तो चार क्वेश्चन हो गया इधर से अब यहाँ पे सीनोनीम और एंटोनीम इसमें आपको मीनिंग पता होना चाहिए इसको छोड़ दीजिए बाकी आप लोग ठीक है बाकी आप लोग कर दीजिए चलिए तो अब यहां पे देखिए राइट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अब इस वर्ड का सिनोनिम आप लिखिए ए लॉट ऑफ लॉट ऑफ का मतलब होता है मेनी ठीक है फ्रूटफुल इसका भी इसका मतलब होता है यूजफुल ठीक है कहाँ से लिखना है आपका सही ढूंढ करके आपको लिखना है एंटोनिम ऑफ द गिड एंटोनिम का एंटोनिम क्या हो जाएगा मॉडर्न मतलब आधुनिक तो उसका क्या हो जाएगा? Oldest. Hardly, का, softly, या फिर जो आपका कहाँ है में है वहीं से आप चुन करके इसको लिखेंगे क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी यंगर ब्रदर या फादर किसी के पास भी अगर लेटर लिखने के लिए इस टाइप से आएगा ठीक है कोई भी दो क्वेश्चन आपको करना है एंसर एनी टू क्वेश्चन है ना इन अबाउट एटी टू हंड्रेड वर्ड्स अब देख लीजिए यहाँ पे दो दो मार्क्स का क्वेश्चन ये पूरा क्वेश्चन कितना होगा आपका छः क्वेश्चन था दो दो मार्क्स का बारह अब यहां पे भी आपका दो दो मार्क्स का ही क्वेश्चन है आंसर एन टू क्वेश्चंस इन अबाउट एट्टी टू हंड्रेड वर्ड है ना सेक्शन बी से दो वो आपको करना है ठीक है ठीक है और पांच पांच नंबर का है ये क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए तो क्या है राइटिंग सेक्शन है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड बैड कंपनी बैड कंपनी को छोड़ने के लिए अवॉइड करने के लिए आपको लेटर लिखना है ठीक है किसको यंगर ब्रदर को तो क्या कीजिए देखिए यहाँ पे हमने एक दे दिया है लेटर को लिख करके आप इसको याद भी कर सकते हैं यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए कहीं का भी और यहाँ पे डेट उसके बाद डियर जो आपका भाई का नाम है i have just received your progress report from your school. i am shocked to see that you have miserably failed in english and maths. your attendance is below 75%. it seems that you are neglecting your studies. you have definitely fallen in bad company. if this state of affairs continue, you will fail in your exam final examination. so you should mend your ways. before it is too late it is high time that you should avoid bad company and pay attention towards your studies always remember that hard work is the key to success i hope you will act upon my advice and start working for okay. from today hai na yours lo lovingly jo bhi aap koi bhi naam ek de dijiye chaman to ye aapka लेटर का प्रारूप है आप इसको इस, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए याद कर लीजिए ठीक है कोई कोई लाइन अगर छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें आप लास्ट वाला लाइन याद रखिए आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल आई एम सॉक टू सी ये सेवेंटी फाइव परसेंट तक ये कम से कम इतना लाइन याद रखिए ऊपर ये कैसे लिखना है ठीक है बाकी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग राइट एन अप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस ठीक है वोकेशनल क्लास के लिए है ना चलिए कोई भी दो इसमें करना है तीन है तीन दिया हुआ है तीन में से यानी उनचालीस चालीस इकतालीस में से कोई भी दो को करना है तो आप लेटर ही दो लिख सकते हैं या फिर एक लेटर लिख दीजिए और एक पैराग्राफ लिख दीजिए चलिए ये भी टीचर हेडमास्टर के पास लिखना है अरेंज करने के लिए वोकेशनल क्लासेस टू द हेडमास्टर यूपीजी प्लस टू हाईस्कूल सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस कोई भी स्कूल का नाम दे दीजिए सर मोस्ट हमली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट वोकेशनल क्लासेस ऑफ क्लास टेन हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल टूडे द रूटीन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड इट सीम्स दैट वी विल बिकम फेल इन वोकेशनल पेपर सो देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ वोकेशनल क्लासेज फॉर अस इट इज़ देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज वोकेशनल क्लासेज फॉर अस फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई सेल एवर प्रे योरस ओविडेंटली प्रदीप कुमार जो भी कोई एक नाम ये 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 और सब्जेक्ट यहीं से आप लिख दीजिए अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा तीन चीज़ सर फिर मोस्ट हमली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट फिर इट इज़ देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज अरेंज या फिर इट इज़ देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली उसके बाद जो सब्जेक्ट में दिया हुआ रहेगा वही चीज़ यहाँ लिख दीजिए फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई सेल एवर प्रे ये लिख दीजिए योर सोबिडियटली ये सब में रहेगा हेडमास्टर के पास कोई भी अप्लीकेशन लिखना है तो इतना चीज़ कॉमन रहेगा सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो सर के बाद मोस्ट हमली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेक टू स्टेट दैट उसके बाद आप सब्जेक्ट वाला भी लिख दीजिए अगर नहीं एक दम समझ में आ रहा है तो है ना और ये लाइन और ये लाइन लिख दीजिएगा तो आपको कम से कम पाँच में तीन मिल जाएगा है ना तो ये आप ध्यान में रखेंगे ठीक है आप इस्क्रीन ले लीजिए इसको याद कर लीजिए रहेगा एक क्वेश्चन चलिए स्पोर्ट्स डे और हेल्थ इज़ वेल्थ दोनों का हमने लिख करके दे रखा है आप लिख करके इसको याद कर लीजिए ठीक है एक तो रहेगा ही स्पोर्ट्स डे या हेल्थ इज़ वेल्थ ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इसलिए बस इतना ही कर लीजिएगा एक आ ही जाएगा ठीक है Our annual sports day held earlier this month was full of fun and excitement. The entire school including the playground was decorated with flags, colorful bunting and flowers. Many boys and girls took part in the event. On the appointed day our principal formally declared the day open at 10 a.m. The games includes football and basketball matches, races, jump and other track events. I took part in the 50 meter and 100 meter races and received silver cup in the former. द टीम फ्रॉम माई क्लास ऑन द रिलेरस द इवेंट केम टू टू अ क्लोज विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस विच वी आर गिवेन अवे बाई आर प्रिंसिपल द फॉलोइंग डे वॉज डिक्लेयर अ हॉलीडे बाई आवर प्रिंसिपल स्पोर्ट्स इज वन सच एक्टिविटी दैट हेल्प अस इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर फिजिक एंड पॉजिटिव मेंटलिटी ठीक है मेंटलिटी तो ये आप ये भी स्क्रीनशॉट हेल्थ इज वेल्थ पे भी है है ना चीज़ को आप पढ़ लीजिए उसको और आप उसको याद कर लीजिए चलिए ग्रामर सेक्शन देखते हैं हम लोग फोर्टी टू फाइव फील इन द ब्लैंक्स मॉडल्स आएगा एकदम चलिए वी खाली जगह पे आवर टैक्स जिसमें आपको एकदम कोई भी काम को करना एकदम जरूरी होगा तो उसमें हम लोग मस्ट लगा देंगे क्लियर है तो वी मस्ट आव पे आवर टैक्सेस आई खाली जगह लिफ्ट द बॉक्स आई कुड रन फास्टर वेन वाई वॉज़ बॉय ठीक है तीनों हमने भर रखा है ये तीनों होगा याद रखिए कुड कब होगा जब पास टेंस में रहेगा ठीक है और प्रेजेंट में रहेगा तो कैन रहेगा ठीक है अब मस्ट मतलब आपको कोई भी एकदम सर्टेन करवाना है काम ऐसा काम जो होना करना चाहिए तो वो हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन फोर्टी थ्री देखिए ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू डायरेक्ट एज डायरेक्टेड इज टू टायर टू प्ले रिमूव टू टू लगाना है तो टू हटा करके वहाँ लगेगा पहले सो तो सी इज सो टायर्ड ठीक है सी इज सो टायर्ड उसके बाद वहाँ पे लगेगा दैट फिर ये जो सेंटेंस है यही यहाँ पे आएगा लगेगा कैन नॉट और उसके बाद जो शब्द है प्ले सब में सी इज टू टायर्ड टू प्ले सी इज टू हंग्री टू इट तो क्या हो जाएगा सी इज है ना ठीक हैंग्री है ना ठीके? या फिर हंगरी के जगह पर लगा देते टायर्ड मान लीजिए सी इज टू टायर्ड टू इट अब क्या हो जाएगा सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट इट ठीक है अंग्री लगा देंगे तो फिर वो तो भूखा है भाई तो उसको भोजन भी चाहिए विरोधाभास हो जा रहा है है ना निगेटिव सेंटेंस में नहीं जाएगा तो सी इज़ टू टायर्ड टू ईट तो क्या हो जाएगा सी इज़ सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट ईट तो क्या क्या चेंज कहाँ है देख लीजिए टू है टू हट करके क्या हो जाएगा सो so हो जाएगा उसके बाद जो शब्द है टायर्ड हो जाएगा उसके बाद दैट यहाँ पे जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट लग जाएगा यहाँ पे और कैन नॉट प्ले ठीक है चलिए ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर किस में चेंज करना है इंट्रोगेटिव में तो क्या हो जाएगा कैन अ मैन लिव फॉर एवर ठीक है कैन अ मैन लिव फॉर एवर यहाँ पे जो सेंटेंस में यहाँ पे शब्द होगा यहीं से आएगा ठीक है कैन है तो कैन कैन अ मैन लिव फॉर एवर ठीक है चलिए आगे बढ़िए कालीदास वॉज नॉट अ ग्रेट पोएट एसर में बहुत आसान नॉट है हटा दीजिए कालीदास वाजे ग्रेट पोएट क्लियर है अगर टिप से निगेटिव कहेगा तो नॉट लगा देना है और अगर निगेटिव से टिप कहेगा तो बस नॉट हटा देना है चलिए बाईस मार्क्स का आपका लिटरेचर से रहेगा पहला है वॉट इज द बॉय नाउ हैज लॉस्ट हिज बॉल वॉट वॉट इज ही टू डू आई सॉ इट गो मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, ठीक है ये जो सेंटेंस है एक बच्चा है जो खेलता है और उसका बॉल चला जाता है नाली में ये एक पोयम है जिसका नाम है द बॉल पोयम, द बॉल पोयम, चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग फ्रॉम विच पोएम दिस एक्स्ट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन एक एक्स्ट्रैक्ट रहेगा पोएम से है ना तो सारे पोयम का जो एक्स्ट्रैक्ट है उसको आपको याद रखना होगा सारे मतलब एक्स्ट्रैक्ट नहीं कुछ कुछ शब्द जिससे पता चल जाए कि ये किस पोयम से है तो देखो इसमें बॉल आया है बॉल और बॉय आया तो समझ जाओ कि द बॉल पोयम से है ठीक है तो द बॉल पोयम हु हैज हुटेन दिज लाइन्स द जॉन बेरी मैन ठीक है इसके राइट पोएट कौन है जॉन बेरी मैन वॉट हैज़ द बॉय लॉस्ट तो बॉय लॉस्ट क्या है इसी में से आपको मिल जाएगा बॉय लॉस्ट हिज बॉल बस यही लिख देना है लॉस्ट इज बॉल चलिए आंसर एनी थ्री क्वेश्चन अबाउट सिक्सटी टू एटी वर्ड्स तीन क्वेश्चन करना है ठीक है वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई क्यों डरता था यंग सीगल उड़ने से क्यों क्योंकि बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट क्यों उसका यह पहला फ्लाइट था एंड ही फियर्ड फॉलिंग एंड हंटिंग हर्टिंग हिमसेल्फ द सीगॉल थाट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल्ड फ्लाइंग क्या था क्यों वो डरता था भाई तो क्योंकि उसका यह पहला फर्स्ट फ्लाइट था और वो डर डरा हुआ था किससे गिरने से गिर के और चोटिल होने से है ना हर्टिंग हिम सेल्फ द सीगोल थाट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल्ड फ्लाइंग वो उसने यह भी सोचा कि अगर वो उड़ेगा तो उसका जो पंख है वह उसका सपोर्ट नहीं करेगा उड़ने में ठीक है चलिए आगे देखिए वेयर इज कुर्ग कुर्ग कहाँ है व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग तो कुर्ग कहाँ था कर्नाटका में तो लिख देना है कुर्ग इज इन कर्नाटक फिर वॉट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग तो द मेन यहाँ से द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग है ना इज कॉफी ये भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से लिख देंगे कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग व्हाट के जगह पर क्या लगा देंगे कॉफी तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर या फिर द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी ठीक है कैसे जैसे भी सेंटेंस आप लिखना चाहें चलिए नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर फायर एंड आइस से है फायर और आइस का मतलब क्या होता है तो फायर स्टैंड फॉर ग्रीड एवर आइस क्रुएल्टी लस्ट कन्फ्लिक्ट फ्यूरी इन फायर का मतलब ग्रीड क्रुएलिटी लस्ट फ्यूरी या फिर कन्फ्लिक्ट ये चार को याद रखिए ठीक है आइस स्टैंड फॉर राइजिडिटी insensitivity, कोल्डनेस इनडिफ्रेंस hatred. तो आइस के लिए राइजिडिटी और insensitivity याद रखिए और फायर के लिए ग्रीड कन्फ्लिक्ट cruelty तीन गो सब चार गो सब याद रखिए दो दो तीन दो शब्द ठीक है वही लिख देना है ठीक है फायर का मतलब होता है ग्रीड है ना ग्रीड लालच क्रुएलिटी निर्दयता है ना फिर फ्यूरी इंटॉलरेंस इस ये चारों पांचों में से दो या तीन गो आप याद रखिए चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखिए हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सिक्रेट एजेंट है ना ऑसेबल जो द मिड नाइट विजिटर से है है ना द ऑसेबल जो था वो कैसे अदर सिक्रेट एजेंट से कैसे अलग था क्योंकि वो मोटा ताजा था, था लगने देखने से नहीं लगता था कि वो सिक्रेट एजेंट है उसका रूम भी सबसे ऊपर में था है ना चलिए ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्रेट एजेंट्स फॉलर हैड रीड ऑफ जो फॉलर ने पढ़ा है उसके कोई भी डिस्क्रिप्शन में वो फिट नहीं आ रहा था फॉलर जो पढ़ा था कि भाई सीक्रेट एजेंट कैसा होता है वैसा आप दिखे नहीं रहा था ऑसिबल कहाँ रहता था, था एकदम छोटा सा रूम में कहाँ सबसे ऊपर फ्लोर पर जहाँ है ना जहाँ पे हाई हैड एनी सेटिंग ऑफ रोमांटिक एडवेंचर जहाँ पे कोई एडवेंचरस चीज़ नहीं था ही वॉज़ वेरी फैट एंड ऑल दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली वो मोटा ताजा था और बहुत फ्रेंच और जर्मन जो था ना वो नियर अबाउट पूरी अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता था हार्डली वो बोल पाता था है ना नेवर लॉस्ट हिज अमेरिकन एसेंट जो वो अमेरिका के था इसलिए अमेरिकन का जो टोन था वो उसको कभी भूला नहीं था जिसको ये वीच ही ब्राउड फ्रॉम बॉस्टन ट्वेंटी ईयर से हो यानी बॉस्टन से वो जो बीस साल पहले आया था अमेरिका से तो उसका जो बोलने का लहजा था वो अमेरिकन एसेंट था वो भूला नहीं था ठीक है तो याद रखिएगा क्या क्या शब्द अगर मान लीजिए इतना लंबा आपको याद नहीं हो रहा तो क्या क्या याद रखना है नेवर लॉस्ट हिज अमेरिकन एसेंट ही फैट ठीक है और डिड नॉट फिट इन टू डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलर ठीक है ठीक है सिक्रेज एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन जो होता है फॉलर के दिमाग में वो मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में वो फिट नहीं था बस इतना याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट आगे देखिए हु वॉज हॉरेस्ट डनबी एंड वॉट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ही हॉरेस्ट एन बी कैसा था और वह किस तरह का आदमी था तो हॉरेस्ट एनबी वॉज फिफ्टी ईयर्स ओल्ड मैन एंड वॉज हु यूज टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स बाई रोबिंग वंस इन अ ईयर ही वॉज ए लॉक स्मिथ बाई प्रोफेशन है ना लॉक स्मिथ था तालाब का काम करता था प्रोफेशन से ठीक है पचास साल का आदमी था बूढ़ा आदमी था ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन एंड डिड रॉबरी वंस अ ईयर फॉर बाइंग एक्सपेंसिव बुक देखो चोर तो था है ना थीप था लेकिन ऑनेस्ट था लोगों की नज़र में वो ऑनेस्ट था और रॉबरी केवल करता था एक बार किस लिए एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स दो क्वेश्चन को करना है पाँच पाँच नंबर का होगा एक करेक्टर स्केच स्केच रहेगा है ना तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच किसका आप बोल रहा है मैटिल्डा का ठीक है मैटिल्डा कौन है द नेकलेस का है पार्ट तो मैटिल्डा जो लड़की औरत रहती है जिसका नेकलेस बुलाया रहता है तो मैटिल्डा इज़ द यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मिस्टर लोएसल ए क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन शी इज प्राउड ऑफ हर एलिगेंट ब्यूटी है ना सी इज़ अनहैप्पी विथ हर पुअर लॉट सी थिंग्स सी इज़ विक्टिम ऑफ सोशल इन्जस्टिस एंड आयरनी अफेक्ट देखो वो हमेशा उदास रहती थी उसको लगता था कि उसके साथ सोशल इन्जस्टिस हुआ है वो अनहैप्पी रहती थी अपने पति के ऐसा नहीं था कि वो पति से खुश नहीं थी लेकिन वो स्मॉल घर में स्मॉल हाउस में ओल्ड फर्नीचर में रहना उसको पसंद नहीं था उसके ओल्ड फर्नीचर के साथ रहना पसंद नहीं था वो इमेच्योर गर्ल थी है ना देखिए कौन कौन शब्द आप याद रखिएगा इमेच्योर गर्ल याद रखिए सिंपल याद रखिए ठीक है ठीके? और वाइफ ऑफ मिस्टर लॉयसल याद रखिए ठीक है फिर क्या था फिर ये लाइन वो तब तक इमेच्योर था उसके साथ एक घटना होता है सी लॉस्ट हर नोक ठीक है जो आ, वो एक मांग करके अपने दोस्त से लाई थी है ना उसका नेकलेस वो भुला देती है इट मेक्स अ केयरफुल एंड अच्छे और उसके बाद इट मेक्स अ केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वीमैन कब जब भुलाने के बाद वो उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट होता है और फिर वो केयरफुल हो जाती है है ना और हर कैरेक्टर आफ्टर लॉस ऑफ नेकलेस मेक अ लवेबल कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ ऑल हर फॉल्ट्स एंड फॉलीज वो उसको अच्छा घर पसंद था लेकिन बड़ा घर लेकिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि आ, उस लोग को काम करना पड़ जाता है उस नेकलेस का पैसा चुकाने के लिए और उसके मतलब वो जीवन में फिर एक अलग कैरेक्टर की तरफ घुस जाती है यानी पे यहाँ पे डुअल कैरेक्टर को शो किया है एक नेकलेस से पहले नेकलेस भूलने से पहले और एक नेकलेस भूलने के बाद ठीक है उसी को ये दिखा है तो आप इसी में से जो आपको इसको याद कर लेना होगा है ना चलिए वॉट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल हरी सिंह को क्या लगा और क्यों अनिल के पास वापस आ गया तो कहानी जब पढ़े हैं आप तो उस समय आपको पता हुआ होगा कि हरी सिंह कौन था जो अपना नकली नाम बताया था चोर जो था और क्यों अनिल के पास आ गया चुराने के बाद भी जाता है और निकल आ जाता है क्यों क्योंकि उसके अंदर जो उसके अंदर से जो आवाज़ आई कि उसको किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए है ना ही डज नॉट ही डज नॉट वॉन्ट टू ट्र ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ़ द अनिल वो अनिल का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहता था ठीक है इसलिए वो चुराने के बाद भी जो पैसा लेकर के जाता है फिर भी वो वापस आ जाता है ठीक है मैं यानी अनिल की जो अच्छाई थी वो उसको खींच करके वापस ले आती है ठीक है वो अनिल को बिट्रे नहीं करना चाहता था ही डिज नॉट वॉन्ट टू बिट्रे ये लाइन याद रखिए ठीक है थीके? द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही फिर क्या याद रखिए ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द ट्रस्ट ऑफ़ द अनिल ये दो लाइन याद रखिएगा है ना फिर लास्ट में याद रखिएगा कि हरी सिंह हार्ट हैज चेंज्ड एंड ही हैड बिकम अ बेटर पर्सन है ना फिर क्या था कि वो अनिल क्या था उसको पढ़ाता था तो उसको ये भी लगा कि भाई एजुकेशन मिल रहा है तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है और एक साथी जिस पर कोई भरोसा कर रहा था उतना तो वो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो जिसको देख करके वो अनिल के पास फिर से वापस आ जाता है ठीक है आप ये उसका कंप्लीट आंसर है वही चीज़ आप देख लीजिए ठीक है पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल है ना ये इलिसिडेट इसको आप बताइए पेपर के पास ज़्यादा पैसेंस है लोगों ठीक है एनी फ्रैंक डायरी एनी फ्रैंक है ना फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से है तो क्यों पेपर के पास ज़्यादा पैसेंस है क्योंकि क्यों वो पेपर आपकी बात सुनती है आप जो आपका ग्रीफ है जो आपकी खुशी है उसको वो बिना आपके साथ तर्क तर्क किए है ना बिना डिबेट किए वो आपको सुनती है वो आप आपके लिए वो हर सिचुएशन में अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो वो आपको सिंपथाइज करेगी है ना वो आपका कभी आपको जज नहीं करेगी ये सब शब्द याद रखिए है ना पेपर विल नॉट जज यू है ना वो आपके आपके जो भी है ग्रीव ग्रीव है सैडनेस है, है ना फिर आपके पास हैप्पी मोमेंट है तो आप कोई भी मोमेंट को आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं वो कभी बोर नहीं होती है ऐसा नहीं है कि अब मत आप हमसे अब आप अब मत शेयर कीजिए आप आप मत लिखिए वो कभी ये नहीं कहेगी कि आप आप अपने दिल की बात हम पे ना लिखिए पेपर पे ना लिखिए मुझ पर ना लिखिए तो वो उसके पास ज़्यादा पैसेंस है वो आपके धैर्यता पैसेंसफुल आपकी बातों को सुनता है चाहे आपके साथ जो भी मोमेंट हो आप उस मोमेंट को आप उसके उसके साथ आप आसानी से जी सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये था आपका बावनों क्वेश्चन आप इसको सिफी शब्द याद रखिए है ना बोर्डर्ड शब्द याद रखिए बहुत फीलिंग्स सैड एंड हैप्पी शब्द याद रखिए है ना कुछ देखिए अगर मान लीजिए ये ये बात सही है कि बहुत सारे स्कूल्स सा ऐसे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ पे इंग्लिश टीचर नहीं है है ना तो वहाँ पे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई है तो वहाँ पे आपको पहले तो दे ये देखना होगा कि हम पैसे कैसे साठ सत्तर मार्क्स ले आए है ना तो साठ सत्तर मार्क्स लाने के लिए आप कुछ कुछ शब्द याद रखिए हर चीज़ तो आप याद नहीं कर पाइएगा क्योंकि देखिए इस इससे कभी नकारा नहीं जा सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिक्स में सेवन में आकर के इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होंगे ए बी सी डी लिखना शुरू किए होंगे है ना तो थोड़ा मुश्किल होती है लेकिन उससे डरना नहीं है आपको शब्द याद रखने होंगे आप जो जिसे पेपर हैज़ मोर पेसेंट देन पीपल ये किससे है एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से है तो एनी फ्रैंक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे हम लोग कोई कम से कम दस बारह जो शब्द है उसको ध्यान में रखिए ताकि आप उससे सेंटेंस बना करके आप उसके अनुसार लिख सकें ठीक है चलिए ये था आपका टोटल क्वेश्चन आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा है ना आप इंग्लिश का टोटल सॉल्यूशन आपको मिल गया है फिर हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो दूसरे जो और सब्जेक्ट है उसके आंसर की को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित होंगे तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए थैंक यू थैंक यू फॉर द वाचिंग अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है धन्यवाद